आजा भाई प्रभात तू सपोज में हो सारे गांव की प्रमुख डिमांड और कोई रहेगी तो और लिखा दीजिए। पहले तो धन्यवाद दो खड़े और दादा फोटो खाची ला फोटो की 7 लाख रुपए का दोनों कागज है देखिए 3 दिन में सैंक से निकल जाएगी सोफा कभी भी नई पार्टी बना सकते कोई 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काल्पनिक सवाल है, कोई मतलब नहीं है। हम सब एक हैं, एक साथ हैं और एक साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। लक्ष्मणगढ़ में सभा होगी, अब वो तो क्या बोलते हैं उनके बोलने से मूल्यांकन कर लीजिए आप किस तरीके का भाषण देते हैं। मैं तो इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वो तो जितना जिसकी समझ होगी वो उतना ही उसी तरीके की भाषा बोलेगा और इसी तरह की बात बोलेगा। तो मैं तो दिनेश जी को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भाजपा के अगर मेंबर हैं, भाजपा के नेता हैं, तो भाजपा की रीति नीति के मुताबिक आप कम से कम केंद्र से कोई प्रोजेक्ट तो लाओ। लक्ष्मणगढ़ को आज हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दे दिया, नेचर पार्क दे दिया, दो दो कॉलेज दे दी, सड़कें 1000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें दे दी, पानी के लिए नहर का पानी ले आए। तो आप ये तो बताओ कि 10 साल से बीजेपी का राज है केंद्र में और यहाँ पर एमपी भी बीजेपी के हैं, तो आपने एमपी से मिलकर के कौन सा एक रेलवे की जो बगड़िया स्कूल के पास में रेलवे के लाइनों के पास में 1 किलोमीटर की सड़क थी, हम 4 साल तक वेट करते रहे कि केंद्र से लाएंगे। सुभाष जी ने भी, इन्होंने दिनेश जी ने भी घोषणा की, एमपी साहब ने भी घोषणा की, नहीं ला पाए। 1,14,00,000 रुपये ला करके मेरे को वो सड़क राज्य सरकार के मत से करानी पड़ी। तो बातें करना तो बहुत आसान है, बट काम करना, जब काम करता है लोग दिल से अगर चाहते हैं उसी को चाहते हैं जो काम करता है। इसलिए भाषणबाजी तो चलेंगे चुनाव में, कोई बात नहीं। कोई कुछ कहेगा, कोई अब ये टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, इनको एक जगह बैठना चाहिए और अपनी केंद्रीय सरकार से कुछ लेकर के आना चाहिए और अपनी पार्टी की रीति नीति से लोगों को बताना चाहिए। अगर वो बताएं और मेरे कोई विकास के काम में कोई कमी रह रही है तो उनको बताना चाहिए। ऐसे ही अनर्गल भाषणबाजी और बयानबाजी से कुछ नहीं होता, जनता सब समझती है। आने वाले समय में लक्ष्मणगढ़ के लोग फिर कांग्रेस को आशीर्वाद देंगे और कांग्रेस पार्टी लक्ष्मणगढ़ से नहीं बल्कि राजस्थान में सरकार रिपीट करेगी।